इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पांच एलिमेंट, देयर आर फाइव एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप, देयर आर, इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहे बच्चों, देयर आर फाइव एलिमेंट्स। कौन से कौन से? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लास्ट वन इज लैड। ये इनके नाम है। तो आपको जनरल इंट्रोडक्शन में अगर लिखने को आएगा तो आपको क्या लिखना है? देयर आर फाइव एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप हुज नेम आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लैड एंड देयर एटॉमिक नंबर्स आर। इनका एटॉमिक नंबर क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर आर कार्बन लिखा, उसके आगे सिक्स, सिलिकॉन लिखा उसके आगे 40, जर्मेनियम लिखा उसके आगे 32, टिन लिखा, टिन का सिंबल ऐसे है उसके आगे 50, लेड लिखा उसका सिंबल पीबी उसके आगे 80। तो आपको इससे उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा अगर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल इंट्रोडक्शन आता है, कि जनरल इंट्रोडक्शन एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन। तो जनरल इंट्रोडक्शन में आप उसको डिस्क्राइब करोगे कि देयर आर फाइव एलिमेंट्स, उसे करो तो क्या साथ इज एंड इट इज कैटेगराइज्ड इन पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से ग्रुप में है ये? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में सेकंड ग्रुप है, ठीक है। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन चाहिए। अब इसकी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा। मैं इस बॉक्स को ऐसे वर्क कर रही हूँ, आपको यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का बता रही हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। पहले हम लिखते हैं सिर्फ कॉन्फिगरेशन, देन इसको हम अरेंज करके लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो बच्चों अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6। बाय अबव प्रिंसिपल वी नो दैट फर्स्टली एटम किस में जाएगा? एस ब्लॉक में, 1s2, 2s2 और 2p। कितने बच्चे हैं? चार हुए, दो एलिमेंट, दो और एटम के पास बचे दो इलेक्ट्रॉन, तो 2p। ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इसका ये कॉन्फिगरेशन और यही इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। क्यों? क्योंकि मुझे सेम नंबर वालों को एक साथ बिठाना होता है, तो 1, 2s2। अब हम बात कर लेते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन का मैंने आपको नंबर कितना बताया? 40। हम लाएंगे 1s2, 2s2, 2p6। कितने हुए? 6, 2, 2, 4, 10, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। मेरा इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अब ये कॉन्फिगरेशन है और इसी को मैंने सेम ऑर्डर में लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अब मैं बात कर लेती हूँ जर्मेनियम की, जिसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 32 है। 32 ही है ना? हाँ, 32 ही है। अब जाते हैं हम करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p1, 2p, देखो पहले नंबर काउंट होगा, 6 10, 10 और 10 20 ना, अब उनको चाहिए 32। तो 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 4s2, 3d10। 3d यहाँ पे d आ जाएगा 10, 4s2, 3d10, 5s2 यहाँ हमारे 5 का। अब देखो ये भी अरेंज मुझे दिख रहा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 4d, 10, 5s2।
यहाँ पे क्या आएगा 3D10, 3D10, 4P6, 4P6 5S2, 4P6, 4P, P में कितने आ जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, देखो 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20 और 10 30, तो यहाँ पे 4P2। But it is not valuable.
ये हमें कब मिलता है, जब हम बहुत सारी चीजें छान होकर ढूंढ रहे होते हैं तब कुछ छोटी सी अमाउंट में हमें जर्मेनियम मिल जाता है। कार्बन की बात करें तो कार्बन इज अ 17, कार्बन जो है वो 17 एंड सिलिकॉन इज द सेकेंड एब्यूटेंट। Yeah.
ऐड करूंगी मुझे दो शेल्स की कार्बन होगी ऑब्वियस ठीक है. देन आफ्टर सिलिकॉन टू पीवी आर स्मॉल रिकवरिंग फेजिंग फिल्टर्स की जॉब. यहां से मतलब कार्बन से जो मैं सिलिकॉन तक देख रही हूं यहां पे ज्यादा चेंजेस हो गए एज कंपेयर टू सिलिकॉन टू लेड. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो मैं सेकंड से थर्ड वाले में तो यही मूव कर रही हूं. मेरा लिखने का तरीका क्या होता है? टू इलेक्ट्रॉन इधर फिर टू एट एट एटीन एटीन मतलब मेरी शेयर यहां तक कितने तक पहुंच जाएंगे 32. तो यहां पे मुझे टू और यहां पे कितना यहां पे टू इलेक्ट्रॉन रखेंगे यहां पे फोर रखूंगी कार्बन के लिए. यहां पर मैं रखूंगी टू मेरे टू हो गए सिल्वर में नहीं होते 40 से होते हैं 40 मतलब यहां पर मैंने एट रख दी कितने हो गए 10. फिर मैं नेक्स्ट में मूव कर जाऊंगी शेयर यहां पर मुझे एट रख सकती हूँ टू एट एट ठीक है. तो यहां पर मैं आप कितने रखाऊंगी फोर. अब मुझे अगर बात करनी है लिट के सिलिका के आगे जगह लेंगे तो मुझे वहां 32 एलिमेंट्स चाहिए होंगे. 32 एलिमेंट्स के लिए आगे चार तो मेरे हो गए चार बजे में यहाँ पे चार और लिख दूंगी उसके बाद मैं नेक्स्ट शेल में मूव कर जाऊंगा अपने 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और वहां पर मेरा शेल पूरा कम्प्लीट हो जाएगा. देन मुझे एक शेल की जरूरत पड़ेगी अब टू लैब लैब के लिए कुछ ज्यादा शेल की प्राइमरी चाहिए. तो कोवेलेंट रेडियस जो है सिलिकॉन से सॉरी कार्बन से सिलिकॉन तक आने में ज्यादा इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू सिलिकॉन टू लेड. क्यों होती है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट फिल्ड डी एंड एस ऑर्बिटल्स से हैव ए यूनिक नंबर. क्योंकि जो डी और एस ऑर्बिटल्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है कौन से में सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड में कंप्लीटली फिल्ड डी और एस ऑर्बिटल मिलते हैं मुझे. अब बच्चों में बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी मैंने कोवेलेंट तो समझा दिया आपको. अब नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी इसको हम एनर्जी का एंथैल्पी भी बोलते हैं. मैंने आपको कल भी बताया था जब हमने पी ब्लॉक में 13 ग्रुप का पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है. आयनाइजेशन एनर्जी में जो वो होता है जिससे आइसोलेटेड गैसीय एटम मोल हम आराम से उसके आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं ठीक है. तो किसी भी आइटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसका आउटर मोस्ट शेल से निकालना इजी होता है. क्यों इजी होता है? अगर वो न्यूक्लियस के पास है तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा लेकिन वही अगर न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है कम हो जाता है. मतलब मैं यहां पर बैठी हूं मेरे लिए स्टार्टिंग के बच्चों को देखना इजी है एज कम्पेयर टू मैं यहां से खड़ी हूं मैं लास्ट के बच्चों को देखना ठीक है. तो यहां पे आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी हम देखते हैं द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 14 ग्रुप इज हायर देन एज नंबर करस्पॉन्डिंग टू द मेंबर ऑफ 13 ग्रुप. 14 ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 13 ग्रुप. क्यों होती है? द इंफ्लुएंस ऑफ इनर होल इलेक्ट्रॉन इज विजिबल हियर इन द जनरल आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द लाइन. आयनाइजेशन का हम एनर्जी क्या जानते हैं कि जब हम ग्रुप पीरियड में मूव होते हैं तो ये बढ़ती बट एज ए ग्रुप जब हम डाउन जाते हैं ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ठीक है. यहां पर आपका ये टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट हुआ 14 ग्रुप के लिए. अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. इससे क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से आप क्या समझे? टेंडेंसी ऑफ एटम किसी भी एटम की वो टेंडेंसी कि वो किसको अट्रैक्ट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एटम
स्मॉल साइज होने के कारण इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है. ठीक है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फॉर द एलिमेंट फ्रॉम Si टू Pb आर ऑलमोस्ट द सेम. लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था कि साइज के बेसिस पे क्या होता है, कार्बन से जब हम सिलिकॉन तक जाते हैं, कार्बन से सिलिकॉन तक जाते हैं तो कोवेलेंट रेडियस जो है एज कम्पेयर टू इसकी ज्यादा रहती है सिलिकॉन से Pb तक मूव करने में. क्यों? क्योंकि हम एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस देख रहे हैं. उसकी कोवेलेंट रेडियस मतलब डायमीटर का हाफ रेडियस न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस. तो वही चीज यहां पर काम कर रही है कि इसका साइज जो है कार्बन का वो कम है. ठीक है, तो कार्बन का साइज कम है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. लेकिन जब हम सिलिकॉन से लैब तक देख रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम. तो यहां पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट होता है. कल मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगी फॉर्म्यूला. थैंक यू.